तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने उस वाले वीडियो में हमें 5 लाइक्स एंड 5 सब्स कंप्लीट कर दिए, तो थैंक यू सो मच। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि थंबनेल कैसे रखें और थंबनेल रखने का फ़ायदा क्या है। थंबनेल रखेंगे जैसे कि मैं यूट्यूब ओपन कर रहा हूँ, एक प्रॉब्लम देखिए, ये थंबनेल होता है इस तरह से, और हो गया, देख लीजिए यहाँ पे आप सब दिखा सकते हैं कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देख ले, इंग्लिश एंड हिंदी का कंपैरिजन हो रहा है, इसी तरह से थंबनेल होता है। तो थंबनेल आपको मैंने बनाना उस वाली वीडियो में सिखा दिया था, देख लीजिए, मैंने पुराने वाले वीडियो में दिखा दिया था मैंने आप कैसे थंबनेल रख सके थे। तो आप ये वाइटी स्टूडियो नाम की ऐप है, आपको ये वाइटी स्टूडियो प्ले स्टोर में मिल जाएगी। अभी मैं वीटा डाउनलोड कर रहा हूँ क्योंकि सीख रहा हूँ उसमें भी एडिटिंग करना। ये है वाइटी स्टूडियो आ जाएगा, तो आपको वाइटी स्टूडियो इंस्टॉल कर लेना, मैं अपडेट मार लेता हूँ अभी। तो आप जैसे ही इसको इंस्टॉल कर लेंगे, बाद में आपको यहाँ पे आ जाएगा, मैंने यहाँ पे पहले से सेट कर दिया है, तो आपको इसको ओपन करना है। आप जैसे वाइटी स्टूडियो को ओपन करेंगे, मैंने अगली वाली वीडियो शूट के इसमें मैंने ये थंबनेल कैसे अगली वाली वीडियो इससे अगले वाले ऐसे आएगी कि वेरीफाई कैसे करें। तो आप वेरीफाई करना पहले सीख जाएंगे, बाद में आपको मैंने इसलिए इस वीडियो शूट हो चाहिए और अभी एडिटिंग करनी है बाकी है, तो इसलिए पहले मैं ये एडिटिंग हो जाएगी क्योंकि 2-4 मिनट का ही होगा ये वीडियो। तो उसमें मैंने ये रखा था ये थंबनेल, तो अभी मैं इसमें चेंज कर लेता हूँ थंबनेल ये रख लेता हूँ, अभी कुछ भी रख देता हूँ। तो मैंने ये वेरीफाई का थंबनेल मैंने बनाया था अभी थोड़ी देर भी ना, तो मैं ये कुछ भी रख देता हूँ यहाँ पे थंबनेल। आपको मैंने बनाना भी सिखाया था, तो आपको वो सीखना हो तो आई बटन पे क्लिक कर दे, या थोड़ी देर के बाद एंड स्क्रीन पे भी आ जाएगा। और आपको एंड स्क्रीन कैसे रखते हैं वो सीखना भी है, तो हमारे चैनल को 10 लाइक्स एंड 10 सब्स प्लीज़, हमारे 0 सब्स है यार, प्लीज़ 10 सब्स यार, 1 सब प्लीज़, जो भी देखे प्लीज़ 1 सब्सक्राइब करो प्लीज़। और आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए अभी तक इतने ही, अभी के लिए इतना ही बस, मिलते हैं और एक और नई ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।